देवर्षि नारद ने कहा, महामाया आप यहाँ ब्रजमंडल में ज्ञान वैराग्य को लेकर क्यों आई? यहाँ ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलते, यहाँ वैराग्य से ईश्वर नहीं मिलते, यहाँ किससे मिलते हैं? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा, जानने ही दे जानने वाला। नारद ने भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए 18 महापुराण की कथा सुना दी। पुराणम प्रथमम ब्रह्मम पद्मम वैष्णवमेव च सैवम भागवतम सैव भविष्यम सैव नारदम। मार्कण्डेय तथाग्नेय ब्रह्म वैवर्तमेव च लैंगं तथा च पारहं अस्कान्तं वामनमेव च मत्सं कुर्वं च गारुड्यं वायवी। अनंतरम 18 पुराणों को सुना दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं ले। शास्त्रों को सुना दिया। आज ब्राह्मण इतने कहने के ब्राह्मण रह गए, अगर पूछिए कि शास्त्रों का क्या नाम है, पहला शास्त्र है ब्राह्मण शास्त्र, सत्पथ ब्राह्मण शास्त्र, तैत्रीय आरण्य गोपथ ब्राह्मण शास्त्र, दूसरा शास्त्र है सांख्य शास्त्र, तीसरा शास्त्र है मीमांसा शास्त्र, चौथा है शिक्षा शास्त्र इतिहास पुराण आदि, पांचवा है योग शास्त्र, और छठवां है मंत्र महाशास्त्र। जो वेद के भी 6 विभाग है, निरुक्त छंद ज्योतिष कल्प शिक्षा व्याकरण, वेद के भी खटांग। साहित्य के 4 स्तंभ हैं। अभी कहीं कथा चल रही थी, कथा से उतरने के बाद मैंने एक लड़के का गंगा लिख कर दिखाओ, हिंदी से मैं कर रहा था। अब समझिए कम से कम 10-15 बार उसने गंगा लिखा, लेकिन सब गलत। ये तो स्थिति हो गई है, बताइए। पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ी जा रही है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि हम अगर कहीं अध्यापक हो जाए तो ऐसे बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों की रीढ़ मजबूत हो। नहीं, हम मास्टर बन जाए, हमको भले नहीं कुछ आता है। अब बताए ऐसे ऐसे अध्यापक अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनके भविष्य खिलवाड़ होगा कि नहीं? जो गंगा नहीं लिख पा रहे उन लोग भी लिख कर दिखाना, देखते तुम लोग कैसे पढ़ाई करोगे। साहित्य के शिक्षा मंडन हास्य उपालम्ब 4 स्तंभ है। हम लोग जब पढ़ते थे तब अलंकार बताए जाते थे, याद कराए जाते थे, डंडे पीट पीट कर अलंकार याद कराए जाते थे, साथ साथ अलंकार। आज तो किसी की बच्ची को अगर अध्यापक मार कर देखा है, अध्यापक अगर फिर काल समय रहे पढ़ावे या ये भी समस्या है। देवर्षि नारद ने 18 महापुराण से शास्त्र सुना दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। इसलिए थोड़ी पढ़ाई की है भगवान को जानने के लिए, पढ़ाई तो पढ़े हैं किसके लिए? मात पिता बाल गई बुलाए, घर घर पुत्री नीत बताए। नारद ने काम महाराज में 2 घंटे का समय लेकर आया हूं उनके पुत्रों को जगाने के लिए। संत कुमारों ने कहा, आप तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वहां गंगा बना। क्या महाराज क्या करें, कहेंगे तुलसी कर लो पान दो गंगा द्वारा, और कल से भागवत की कथा कराओ, और उसका संकल्प होगा भक्ति के पुत्रों को जागरण करना। जैसे ही भागवत शुरू करोगे वैसे ही ब्रजमंडल से वे 90-90 वर्ष के ज्ञान वैराग्य 5-5 वर्ष के होकर बद्रीनारायण क्षेत्र में चले जाएंगे। यही करो, अब जाने की आवश्यकता नहीं। जगत कल्याण का कार्य है, ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे इससे जगत जाग जाएगा। आज हम पूजा करते हैं अपने लिए करते, लेकिन अपने लिए ही पूजा नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः कुटुंबकम् सभी विश्व हमारा है, इसलिए जो कुछ भी पूजा पाठ करें उसे केवल अपने लिए न करें। किसके लिए करें? बोले करें जो धर्म करें मन भानी,
जो करिए वो संपूर्ण भगवान को अर्पण कर दीजिए। प्रभु आप बोलने की शक्ति दिए हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए जो मंत्र भी पढ़े आपका है, आपको समर्पित। जो फल चढ़ा रहे हैं वो भी आपका है, जो दूध चढ़ा रहे हैं वो भी आपका है, जो धूप दीप चढ़ा रहे हैं वो भी आपका है। तेरा तुझको अर्पण, हमारा कुछ नहीं है प्रभु, इसलिए क्या करिए, बोले करें जो धर्म करें। पूरे विश्व को लगेगा और रिजल्ट क्या होगा, कबों के दुख पर हित करता के रह के परे दुख रस मिल जा। दो घंटे भागवत चली थी और दो घंटे के अंदर ही 400 किलोमीटर दूर से ब्रजमंडल से वह युवती भक्ति ज्ञान वैराग्य 5-5 वर्ष के हो गए और दोनों भक्ति के आगे दौड़ते हुए गंगा द्वारा गए। सुखदेव सनकादिकों ने इशारा किया, नारद देख लो अब तुम्हें ब्रजमंडल नहीं आ गए होगे। क्या देखा नारद ने कि भक्ति सुता होता उत्तर में गृही करेगा। भगवान को अधिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान बन करके लोगों को बताएंगे कि हम हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है तो ऐसे भगवान नहीं मिलते। हमने संन्यास ले लिया है ऐसे भगवान नहीं मिलते, किसको मिलते हैं, सोहने राम प्रेम बिन ज्ञान। अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान का 0% रिजल्ट नहीं है। सोहने राम प्रेम मैं सब रहित बिरागी प्रेम से प्रभु प्रकट हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रभु प्रकट हम जाना। प्रेम की परिभाषा बताएंगे लेकिन दसम स्कंद में अभी नहीं। प्रेम है क्या, इसकी विस्तृत विस्तार से परिभाषा बताएंगे कि प्रेम क्या।